हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। बहुत दिनों से लोग कमेंट आ रहा था कि सर आपने हमें लैपटॉप चलाना सिखा दिया, कंप्यूटर चलाना सिखा दिया है, हमें माउस के बारे में पूरा डिटेल से बताइए। तो आज मैंने सोचा हो क्यों ना इस वीडियो के अंदर आपको माउस के अंदर जो जो बटन होते हैं, माउस का काम कैसे होता है, कैसे काम करता है बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको आइडिया होगा कि माउस कैसे काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि माउस क्या काम करता है। जिनको नहीं मालूम है, बेसिकली वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ। जिनको मालूम है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ, मेरा आईडी है जोगेंद्र ज्ञान, वहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिए। आपके पूरे कंप्यूटर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का मैं प्रयास करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे हाथ में जो पड़ा हुआ इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। आपके मन में सवाल आएगा कि ऑप्टिकल माउस क्यों कहते हैं। देखिए इसके नीचे लाइट जलता है ना, ये लाइट जो जल रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। क्योंकि ये लाइट की वजह से रेज जनरेट होता है, मतलब कि ये टच करता है आपका माउस पैड पे टच करते हैं, या तो फिर आप जो भी फ्लैट बैड होता है उसके ऊपर कैसे जो है मूव करते हैं। तो आप देखेंगे जब इसको मूव करेंगे, यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो देखिए ये कर्सर है ना, ये इसको पॉइंटर बोलते हैं, जो लैपटॉप कीबोर्ड के जरिए मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम किसी चीज़ को खोलते हैं, किसी मतलब किसी को खोलना है बंद करना है तो पॉइंटर को लेकर जाते हैं उस चीज़ के ऊपर और खोल के उसको काम करते हैं। ठीक है, तो समझ चुके हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, माउस को ही इनपुट डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ इनपुट देते हैं। इसको पॉइंटर डिवाइस भी कह सकते हैं, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं इसको। ये हो चुका है, अब चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, मेनली जो है ना, ये एचपी कंपनी का माउस मेरे पास है। किसी कंपनी का माउस आपके पास पड़ा हो, मेनली हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ये बटन, ये दिया हुआ लेफ्ट बटन कहते, देखिए ये बटन, यहाँ ये बटन है, लेफ्ट बटन है। फिर देखिए ये वाला बटन जो है, ये राइट बटन है ये। ठीक है, दो बटन ये हो गए, इस साइड एक बटन, इस साइड हो गया। उसके नीचे दिया हुआ स्क्रॉल दिया हुआ, ये स्क्रॉल करते हैं। ये तीन आपको मेनली मिल जाएगा हर माउस के अंदर ये तरीके से। आजकल कुछ गेमिंग माउस भी आते हैं, उसमें और सारे फीचर दिए जाते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। लेकिन ये सिंपल तरीके से जो माउस यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के, उसकी बात करता हूँ। फिर देखिए इसके नीचे दिया हुआ है, ये लाइट दिया हुआ है, ये रेज के बेस पे काम करता है। उसके नीचे पॉइंटर दिया हुआ, जैसे रिफ्लेक्ट करता है तो काम करता है। आप जो स्कूल में पढ़ते रहोगे तो देखा, कंप्यूटर आपने कोर्स किया होगा, देखा होगा कि माउस जो होता था उसके पीछे गोल सा निकला करता था, गोल सा। तो बहुत सारे बच्चे जो है गोल बार निकाल लेते थे, खेलते थे, और बहुत सारे बच्चे उसको लिखवा जाते थे। लेकिन अब वो बंद हो चुका है, अब आपको नॉर्मली जो है ये ऑप्टिकल माउस ही मार्केट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए बता दूँ आपको मैं, जब ये माउस आप देखेंगे तो इसमें दो तीन तरह के माउस आप जान जाएंगे। एक तो ये यूएसबी कनेक्टिविटी होती है, जैसे मैं कंप्यूटर से लैपटॉप कनेक्ट किया, देखिए इसका जो है तार कनेक्ट है, ये कनेक्टेड है, ये देखिए यूएसबी कनेक्टेड है ये। ठीक है, मतलब जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं यूएसबी पोर्ट होता है, वैसे तरीके से यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे, देखिए लग जाएगा तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। एक होता है PS2 पोर्ट, मतलब गोल वाला पिन, देखेंगे जैसे ये फोटो देख ली यहाँ पे, और ये देखिए ये गोल वाला पिन के माध्यम से उसको PS2 बोलते हैं, तो वो अब आना बंद हो चुका है। तो नॉर्मली आपको ये मिलेगा, या तो मिलेगा आपको वायरलेस मिलेगा आपको। तो मेरे पास जो पड़ा हुआ वायर्ड है ही, और आपको पूरा डिटेल बताता हूँ मैं कैसे तरीके से, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए जो लेफ्ट बटन बटन दिया उसका क्या काम होता है, जो राइट बटन इसका काम क्या होता है, स्क्रॉल क्या काम होता है बता देते हैं, उसका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है आपको दिखाने के लिए कनेक्ट कर लेता हूँ यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। हमने इसको जो है कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट कर लेंगे, देखिए जैसे लाइट जल गया। ठीक है, लाइट जल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला बटन देखिए, अब जैसे ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो है इतने सारे आइकन बने हुए हैं, एक आइकन, ये आइकन, ये का। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है, कैसे करूँगा, तो क्या करना, देखिए ये सिंपल तरीके से माउस का जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर है माउस का, इसको लेके जाएंगे हम किसी भी, मतलब किसी भी आइकन के ऊपर। मान लीजिए ये वाला मेरा आइकन है। ठीक है, अब ये वाला देखिए आइकन दिख रहा है ना, माई पी सी दिख रहा है, ये आइकन माई पी सी है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करना है। तो अब ये माउस का जो ये वाला पॉइंटर है ना, इस वाले पॉइंटर को इसको ऊपर लेके यहाँ ले जाएंगे, माउस कर्सर को, कर्सर को लेके जाएंगे। अभी देखिए पैड नीचे लगा रहे, अच्छे से मैं आपको हाथ करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। अब दो बार इसी लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक कर देंगे, देखिए तो ये आपका खुल गया, क्लियर है ना। किसी चीज़ को खोलने के लिए जो है हम क्या क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, ये हो चुका है। अब दिया हुआ सी ड्राइव इसके ऊपर लेके गया कर्सर को, और उसके ऊपर दो बार क्लिक कर दिए, देखिए खुल गया इसके अंदर, मतलब उसके अंदर घुसने के लिए ये है। अब मान लीजिए खुल चुका है, तो अब इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है ना, तो अगर दो बार इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा। अब क्या कर देंगे, माउस का जो हम ये वाला बटन है ना, राइट बटन है ये वाला, मतलब ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे, इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद में खोलेंगे, देखिए इसका पूरा फीचर चलाएगा इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, कितने एमबी का फाइल है, किस डॉक्यूमेंट का, सारी चीज़ देखने के लिए आप यहाँ से इसके प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी दिया हुआ, प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब दोनों मिलाकर आपको काम करना पड़ेगा, लेफ्ट बटन भी है और राइट बटन भी है, उस तरीके से आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़। तो लेफ्ट बटन खोलने के लिए काम करते हैं, और आपका प्रॉपर्टी देखना अगर हो किसी चीज़ का तो आप जो है राइट बटन क्लिक करते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको जो है कर्सर काम क्या होता है। ठीक है, इसको हम जो है और यहाँ पे बंद, यहाँ से फिर देखिए क्लिक करना है, कैसे करना है, तो मेन बटन जो हमारा दिया, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा कि
तो चलिए आपको बताते हैं इसका क्या काम होता है, इस कॉल का। ठीक है, तो अब हम कोई खोल लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास है, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम काम करते हैं टाइपिंग का। तो इस पर हम दो बार ये वाला क्लिक करके इसको खोलना, अगर है तो दो बार हम क्लिक करेंगे इस पर, ये क्लिक कर, दो बार क्लिक कर दिए तो ये खुल रहा है हमारा। देखिए माउस का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर माउस ना हो तो बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या कुछ काम करना है तो हमने कुछ लाइव टाइप कर दिया है, हमें नीचे ऊपर जाना है तो देखिए इसी घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, देखिए इसी नीचे घुमा रहे हैं तो हमारा ऊपर आ गया, ये ऊपर है, फिर इसको नीचे लाना है तो ऐसे करके हम स्क्रॉल करेंगे, मतलब ऊपर नीचे पेज को करने के लिए हम इसको स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10-20 पन्ना बना रख टाइप कर रखा आपने, तो आपको ऊपर नीचे जाना अगर रहेगा तो इससे आप तरीके से ऊपर नीचे जाके काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन आपका है, कुछ भी क्लिक करना जैसे बंद करना हमको है। ठीक है, तो हमें आकर क्रॉस दिया, कोने में दिया क्रॉस दिया हुआ, यहाँ लेके गए माउस, माउस के इस पॉइंटर को, जो पॉइंटर है इसको हम ऐसे मूव करेंगे तो ये पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, मैं आपको हाथ पे लेके से दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए, वरना पैड लग के काम करेंगे या कुछ और आपका होगा तो आप काम का अच्छे से काम करेगा। तो देखिए हम पॉइंटर को जो है कोने में लेकर आते हैं, इस कोने में, और यहाँ पे जो है इस वाले बटन क्लिक कर दे। अब यहाँ ये बटन क्लिक करूंगा, देख काम नहीं करेगा। ठीक है, बंद नहीं हो रहा, ये राइट बटन क्लिक काम, यहाँ पे काम क्या है लेफ्ट बटन का, तो मेनली लेफ्ट बटन का काम ज्यादा होता है। इस पर क्लिक करूंगा, देखिए कोने से बंद हो गया। अब बोल रहा है कि सेव करना नहीं करना, नो करना है, तो हमने नो पे क्लिक कर दिया, इसी बटन से क्लिक करेंगे तो देखिए नो हो गया। तो ठीक है, समझ चुके आप, है ना, इसमें तीन बटन दिए रहते हैं मेनली तरीके से, एक लेफ्ट, एक स्क्रॉल बटन बोलते हैं इसको, राइट बटन बोलते हैं, ऑप्टिकल लाइट दिया हुआ है क्योंकि अब आपको जो है गोल वाला मिलेगा ना, इसको स्क्रॉल बोलते थे, बंद हो चुका है। तो जो भी लोग देखते होंगे बेसिक चीज़ें सीखना चाहते होंगे, तो मुझे लगता है इस लैपटॉप, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है बेसिक चीज़ सीख चुके होंगे। और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि उनको जो है किसी को वायरलेस माउस चाहिए होगा, वायरलेस माउस जब लेने जाएंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा माउस मिलेगा साथ में, और आपको जो है ये तार नहीं लगा रहेगा उसके अंदर, लगा आपके साथ माउस के साथ एक आपको छोटा सा डिवाइस मिलेगा जिसको आप यूएसबी पोर्ट में डायरेक्ट लगा देंगे, तो इस कनेक्टिविटी, इस यूएसबी पोर्ट जो डिवाइस होगा उससे और ये माउस कनेक्ट होगा, फिर आपका वायरलेस माउस काम करना स्टार्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूएसबी है, ये यूएसबी फ़ायदा ये है कि किसी भी लैपटॉप में लग जाएगा, किसी कंप्यूटर में लग जाएगा और सस्ता मिलता है वायरलेस माउस के मुकाबले। ये एचपी कंपनी का जो है 250 रुपये का माउस है और अच्छे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ वीडियो बनाकर मैं बहुत सारे जो लोग होंगे उनको मैं दिखाऊँ, उनको समझाऊँ और उनको सिखाऊँ। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताया क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा वीडियो के बारे माउस के बारे में, तो उनको इस वीडियो से फायदा हो। जय हिंद, जय भारत, से मिलेंगे इस एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक आप लोगों को।